हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक डिस्कशन करने वाले हैं कि जॉइनिंग लेटर में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसमें एक पीवी फॉर्म आता है। पीवी फॉर्म स्टैंड्स फॉर पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। उसे भरते कैसे हैं, एक्चुअली बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा आरआरबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही है तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा आपको भी एक डिटेल, एक जो इन्फॉर्मेशन है जो मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही लेटेस्ट खबर इस चैनल पर आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह का एक जो पेज है वो आपके जॉइनिंग लेटर में आएगा, इस तरह का फॉर्मेट। पॉइंट्स लिखे रहते हैं, सब पॉइंट्स में आएगा। इसमें पूरी की पूरी इंग्लिश तो नहीं पढ़ेंगे, अपन बहुत सारी इंग्लिश रहती है, डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे जो आपको भी समझ में आ जाएगी। अब इसमें रहता है दोस्तों कि अंडर जो रूल लिखा हुआ है 1965 के तहत, इसमें ऐसा रहता है अगर आपने कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी की हो और आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो या पेंडिंग हो या आप उसमें इंक्लूडेड हो, तो यहाँ पर नीचे कुछ सब पॉइंट्स लिखे रहते हैं, उसमें यस और नो में आपको उत्तर देना रहता है। अब वो पॉइंट्स कौन से अपन वो पढ़ लेते हैं। पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ हैव यू एवर बीन डेप्ट अंडर डिटेंशन, यस नो दो में आपको आंसर देना है। फिर सेकंड में लिखा हैव यू बीन अरेस्टेड, आप कभी अरेस्ट हुए हैं लाइफ में कभी भी, जब तक अभी तक, आगे का पता नहीं बट अभी तक कभी आप अरेस्ट हुए हो क्या, यस ओ नो में आंसर देना है। हैव यू बीन प्रोसिक्यूटेड, यस ओ नो में। फिर इन एनी क्रिमिनल केस, मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में, और नीचे ऐसे सब पॉइंट्स रहते हैं अगर आप कभी भी कोर्ट के चक्कर काटे हो आपने, या कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, या आपके किसी दोस्त ने आपका नाम फंसा दिया हो, ऐसा बहुत सारे इसमें सब पॉइंट्स रहते हैं। अब यस ओ नो का मैं थोड़ा सा आपको फंडा बता देता हूँ। यस ओ नो, अगर आपने यस लिख दिया है तो आपको पूरे के पूरे जो आपका तामझाम है, मतलब आपके पीछे जो केसेस चल रहे हैं उसका बैकग्राउंड, मतलब पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है उसकी, वो आपको वहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी। मतलब प्रूफ मांगेगा आपसे रेलवे कि ये कैंडिडेट्स, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा वहाँ पर भर के देना पड़ेगा और उसकी फोटोज कॉपीज भी अटैच करनी पड़ेगी। और नो लिखा है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप नो लिख देते हो और बाद में अगर पुलिस वहाँ पर आपको क्रॉस चेक करती है, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। अगर आप सच लिखोगे हाँ मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही, तो उसमें कोई इशू नहीं, रेलवे भी सोचेगा कि नहीं ये कैंडिडेट बिल्कुल लॉयल है हमारे लिए, और इसने बिल्कुल यस लिखा है और बिल्कुल जो पीछे के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच करके दिए हमारे लिए फोटो कॉपी, तो इसमें कोई इशू नहीं। बट अगर नो लिखते हो और फिर बाद में पकड़े गए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, कह सकते हैं आपकी जो आरआरबी जेई की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं एंड हो सकती है। ठीक है, फिर आगे नीचे लिखा हुआ है रहता है इसमें, यहाँ पर नोट लिखा हुआ रहता है प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भरते हो पुलिस वेरिफिकेशन का, ऊपर वहाँ पर डीप में लिखा रहता है कि अगर आप जो किया हुआ आपने वही लिखे यहाँ पर, बिल्कुल भी फेक न्यूज़ और फेक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी टिक ना करें। अगर गलत हो जाते हो आप, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा जो भरपाई करनी पड़ सकती है या जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अब इसमें स्पेसिफिक आंसर टू ईच द क्वेश्चंस, अब इसमें लिखा है नेम, इसमें जो कोई लिखा हुआ है कि आपके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं जो आसपास से रहते हैं आपके, जो भी आपको लगता है कि नहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही ट्रस्टेबल बंदा या बंदी है, इनका मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नाम और जो डिटेल्स है, तो वहाँ पर लिखें। बहुत छोटी छोटी जो है डिटेल सीखनी पड़ती है, इतना भी कुछ डीपली नहीं। अगर आपसे नहीं भराता ये फॉर्म जॉइनिंग लेटर का, तो आप वहाँ पर भी जाएं, बस आपके जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जरूर लेके जाएं। रेलवे वाले जो कर्मी हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी भर के दे देते हैं ऑफिसर्स, इसका कोई इशू नहीं आता है। डिक्लेरेशन में आता है, फिर डिक्लेरेशन में ये आता है कि आपका सिग्नेचर लगेगा, डेट प्लेस, डेट और प्लेस तो आप वहाँ भर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट अपने सिग्नेचर वो बिल्कुल रेडी करके जाएँ। अब डिक्लेरेशन में लिखा हुआ रहता है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिल्कुल सच है, अगर आप क्रॉस चेक भी करते हैं तो आपको यही पूरे की पूरी जानकारी मिलेगी किसी के थ्रू भी, और अगर बाय चांस गलत हो जाती है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो इसीलिए सच भरें जो भी जानकारी है, मेरे आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग में 35,000 मिलेंगे, और फिर जैसे ही आपको 1 साल हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद, जब आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको 50,000 बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो जितना आप लॉयल रहेंगे रेलवे के लिए, रेलवे भी आपके लिए उतना ही एडवांटेजेस है, अलाउंसेस एज वेल एज सभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको बहुत फ़ायदे मिलने। तो दोस्तों, ये छोटी सी कुछ जानकारी थी, मुझे लगा मेरे जितने भी
भाई लोग से हैं, व्यूवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करूँ, तो मैंने शेयर किया, होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि मेरा वर्क कहीं ना कहीं मैं जितने व्यूवर्स है सबको पसंद आ रहा है। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें, अपने फैमिली के साथ जो 21 दिन है लॉकडाउन के अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। होप अपन मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच दोस्तों।